नमस्कार, मैं हूं सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 20 तारीख से पहले मना लिया जाएगा रुष्ट नेताओं को, कहा भाजपा जिलाध्यक्ष दिलेराम ने। कुल्लू सदर भाजपा में बगावत पर उतरे नेता, टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठोकी ताल। भाजपा ने 5 वर्षों तक राज तो किया पर विकास नहीं, कहा पूर्व विधायक जगजीवन पाल ने। और 20 तारीख से मंडी के सेरी मंच पर होगा रामलीला का मंचन, कलाकार जुटे तैयारियों में। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलेराम ने दावा किया है कि 20 अक्टूबर से पहले सभी रुष्ट नेताओं को मना लिया जाएगा और भाजपा इस बार जिला की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करके इतिहास बनाएगी। दिलेराम मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष एवं नाचन विधायक दिलेराम ने कहा कि इस वक्त भाजपा की प्रदेश भर में अच्छी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता का अधिकार होता है और टिकट ना मिलने पर नाराजगी जाहिर करना भी। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को टिकट ना मिलने से नाराजगी है, उन्हें आने वाली 20 तारीख से पहले मनाकर पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं का हक है मांगना, और जिसमें मैं भी हूँ तो ठीक है, रोष तो सभी को होता है कि मुझे नहीं मिला, उसको नहीं मिला, कार्यकर्ता रुक गया। कार्यकर्ता एक को ही टिकट मिलना है, सबको तो टिकट नहीं मिलना। अब जिनको मिल गया वो ठीक है, अब किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारे लोगों को हमने समझा दिया, बुझा दिया, अभी भी समझाने का प्रयत्न चल रहा है। और मुझे विड्रॉल तक 20 तारीख तक उम्मीद है कि जिले के अंदर शांति हो जाएगी और सभी लोग अब अपने कार्यक्रम में लगेंगे और हमारी 10 की 10 सीटें निकलेंगी और विजय श्री प्राप्त करेंगे। ज्ञात रहे कि भाजपा जिलाध्यक्ष दिलेराम मौजूदा स्थिति में नाचन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट भी हाईकमान ने काट दिया है। टिकट कटने से नाराज चल रहे दिलेराम ने समर्थकों के साथ बैठक करके बगावत का बिगुल फूंक दिया था, लेकिन हाईकमान को आंखें दिखाने के बाद अब दिलेराम फिर से पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिलेराम का दावा है कि भाजपा इस बार जिला की सभी सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। तो अब जब नहीं मिला तो हम खुश हैं, जब पार्टी में दोबारा आ गए तो हम खुश हैं, इसलिए कि पार्टी अच्छा काम कर रही थी, अच्छा काम है, अच्छी इमेज है पार्टी की, इसलिए हमने दोबारा पार्टी का काम करना शुरू कर दिया। टिकट वेट की कोई परवाह नहीं की, तो सभी कार्यकर्ताओं से हम ऐसा निवेदन करेंगे, अब ऐसा कर रहे हैं कि जो भी रुके हुए हैं वो सब लोग आ जाएँ और एकजुट होकर पार्टी का काम करें और पार्टी की सरकार मिशन 2000। जो रुके हुए बंदे हैं जो चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, फील्ड में उतर गए हैं, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं डैमेज करेगी? नहीं, डैमेज तो होगा, लेकिन फिर भी हम उनको समझा बुझा करके पार्टी के भीतर लाएंगे और कोशिश पूरी जिले के अंदर चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमारी बात को मान जाएंगे। गौर है कि इस वक्त मंडी जिला में बगावत के चलते भाजपा की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। भाजपा के अधिकतर रुष्ट नेताओं ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि भाजपा के मिशन रिपीट में रोड़ा बन रहे बागियों को पार्टी मना पाने में कामयाब हो पाती है या फिर मिशन रिपीट को बगावत का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। कांग्रेस के टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस पार्टी में घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने पूर्व मंत्री राजकृष्ण गौड के पुत्र भुवनेश्वर गौड को टिकट न देने के खिलाफ, धर्मवीर धामी को बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारने की घोषणा कर कुल्लू कांग्रेस में बवाल मच गया है। कुल्लू जिला के नवगठित मनाली विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी में बगावत के बिगुल बजने लग गए हैं। मनाली विधानसभा क्षेत्र में भुवनेश्वर गौड को टिकट देने के खिलाफ कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने हाईकमान को टिकट बदलने का आग्रह किया है और साथ ही टिकट न बदलने पर इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। कांग्रेस के दिग्गजों ने धर्मवीर धामी को बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में उतारने की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो टिकटों का वितरण हुआ, उस वितरण में जो अन्याय मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ हुआ, अगर अरुण सिंह जी को टिकट मिल सकता है जो भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से हैं और बीएसपी में मेरे साथ चुनाव लड़ा, उनको टिकट मिल सकता है, बबर जी को टिकट मिल सकता है,
और सबसे बड़े मिस्टर मनकोटिया जिन्होंने सीडी पता नहीं असली थी या नकली थी जो कुछ भी था वो निकाल के पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 5 साल के लिए हिमाचल से बाहर कर दिया। उनको एक दिन पहले लेकर पार्टी में लेकर और दूसरे दिन उनको टिकट दे दिया। तो मेरी तो पृष्ठभूमि पिछले 45 वर्षों से कांग्रेस की है और कांग्रेस का बहुत काम किया है तो मुझे टिकट क्यों नहीं। मेरा नाम किसी सिफारिश पर नहीं गया, मैं किसी कोई मंत्री का पुत्र नहीं हूँ, ना मैं किसी कोई बड़े ऊंचे नेता का बेटा हूँ। मैं तो एक बड़ा किसान का बेटा हूँ, जिम्मेदार का बेटा हूँ, एक मध्य वर्गीय परिवार का आदमी हूँ। जो आज मैंने मेहनत की उसी के आधार पर मेरा जो नाम वहां तक पहुंचा। लेकिन दुख हुआ कि जब वहां पर पहुंचने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि प्रदेश के जो कुछ एक ऐसे लोग थे, ऐसे एक नेता थे जिन्होंने अपने स्तर पर ये देखा कि भाई हमारे लोगों को टिकट देने हैं, हमारे लोगों को टिकट देने हैं। जिस तरह से गलती कांग्रेस में आज तक होती आई है, ऐसी गलतियां हुई है कि धर्मवीर धामी का नाम कटा, ऐसी गलती हुई है कि मेरा नाम कटा, और इस तरह से कई लोगों के जो वरिष्ठ लोग थे उनके नाम कटे हैं, जिससे साफ तौर से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने सशक्त उम्मीदवारों को ही टिकट आवंटित किए हैं। उनका कहना है कि निर्दलीय उम्मीदवार से बात की जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी कांग्रेस के सदस्य एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। कांग्रेस हाईकमान ने जो टिकट दिया है, जो जीतने वाले उम्मीदवार है उनको ही टिकट आवंटित किए गए हैं। ये थोड़ा बहुत असंतोष रहता है, ये क्षणिक है। हम लोग उन सभी लोगों के संपर्क में हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमारा प्रदेश का नेतृत्व बात कर रहा है, हम लोग भी बात कर रहे हैं, उनके संपर्क में है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग जो है अगले 2-4 दिन में जो है स्थिति ठीक हो जाएगी और सब लोग जो है कांग्रेस के लिए एकजुट होकर के जो है कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में यदि कांग्रेस पार्टी बागी हुए नेताओं को नहीं मनाती है तो जिला में कांग्रेस पार्टी को इसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। भाजपा सरकार ने 5 साल तक राज तो किया है लेकिन प्रदेश में विकास नहीं करवाया है, यह कहना है सुला के पूर्व विधायक जगजीवन पाल का। पाल ने भाजपा सरकार पर आरोप चढ़ते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के साथ बेइंसाफी की है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सुलह के पूर्व विधायक जगजीवन पाल का कहना है कि सुलह की जनता भाजपा से दुखी है। पाल ने कहा है कि भाजपा के विधायक ने केवल राज ही किया है और आम जनमानस को कोई भी लाभ नहीं पहुंचाया है। पाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में जनता को सुख दिया है और इसीलिए यहाँ की जनता उनके साथ है। तो पूरे चुनाव क्षेत्र में घूम रहे हैं, पहले दिन में ही एक बहुत अच्छा संदेश, जब टिकट का फैसला हुआ काट मिल में जो प्रदर्शन हुआ उस वक्त कोई लगभग 300 के लगभग गाड़ियां वहां पहुंची हुई थी और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उस जन समर्थन से, जन सैलाब से लगता है कि कम से लगभग 25,000 वोटों से ऊपर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाएंगे विधानसभा में। इससे 5 साल में वो इमारत तक तैयार नहीं हुई, इसके बावजूद ITI सुलह क्षेत्र में गढ़जमूला में दी है, उसकी भी इमारत तैयार नहीं हुई। उसमें जो शाहपुर में ट्रेड जितने चल रहे हैं वहाँ शाहपुर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, गढ़जमूला में ही सारे ट्रेड चलाने की कोशिश करूँगा ताकि अच्छे टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वहाँ बच्चों की हो और वो अपना अपना रोजगार ठीक तरीके से करें। जीवन पाल ने मौजूदा विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधायक ने केवल गुंडा तत्वों को शरण दी है और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिए हैं। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोगों को हमारी तरफ से और पूरा प्यार मिलेगा, भय मुक्त वातावरण मिलेगा। और एक मेरी कोशिश होगी और मेरा एक मुख्य मुद्दा है कि मेरे पिछले 4.5 वर्षों में मैंने सुलह चौक क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की थी कि आपसी भाईचारे की, आपसी भाईचारे में प्रेम बढ़े आपस में लोगों का, इकट्ठे होकर बैठें, इकट्ठे होकर चलें, वो वातावरण फिर मैं दोबारा बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। पाल ने कहा कि वे जनता के हितों को ध्यान में रख कर उनसे जुड़े सभी कामों को अंजाम देंगे।
के न्यूज के लिए सुलह से दीपक राणा की रिपोर्ट। सहज संस्था के सदस्यों ने जनता से संस्था की तरफ से दी जा रही सभी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया है। यह आह्वान संस्था सदस्यों ने मंडी में आयोजित पहली बैठक के दौरान किया। याद रहे कि सहज संस्था विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए गठित की गई है। रविवार को मंडी में सहज संस्था की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। संस्था की पहली बैठक में संस्था के सदस्यों ने संस्था की तरफ से दी जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया। संस्था आने वाली 8 और 9 नवंबर को पटना स्थित गुरुद्वारे में एक मेडिकल कैंप का आयोजन भी करने जा रही है। एक हमारा जो 8 नवंबर और 9 नवंबर को जो कैंप हुआ गुरुद्वारे में मैदान था मेडिसिटी के साथ, उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उसके लिए भी हम एक कार्य यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उसके लिए, और बाकी मैं आप लोगों के साथ उससे ये के चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सजेशन दें, चाहे ईमेल पे दें या फिर आप हमें फ़ोन पे दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग कार्य करने की प्रोसेस में, और आप लोग हमें अपना मन दीजिए, तन मन धन में से हमें आपका मन चाहिए। सहज संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और साथ ही उन्हें न्याय दिलाने में मदद करना है। इसके साथ ही संस्था अन्य सामाजिक कार्यों में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही है। कि समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं काफ़ी लंबे समय से, उनको किस तरह से समाप्त किया जा सके, तथा आने वाले समय में हम समाज के किस ढंग से सेवा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई है। और मैं पूरे मंडी वासियों को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि वो हम लोगों के साथ जुड़ें, ताकि हम अपने मंडी शहर में एक सुनियोजित ढंग से इसको और अग्रणी बना सकें, ताकि मंडी शहर के खुशहाली में हम लोगों का एक बराबर का योगदान है। संस्था की पहली बैठक में सदस्यों ने संस्था को मजबूती दिलाने संबंधी कई अहम सुझाव भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में वक्त हो चला एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल? किसने किस पर किया वार? किसने किया पलटवार? पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिम मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड MSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर तथा इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सभी वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना काम शुरू कर सकें या फिर कहीं रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहां उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, BIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स।
एक बार विजिट जरूर करें ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी शॉप नंबर 9495 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से सुंदरनगर में एक व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 8वीं से 12वीं कक्षा के बीच पढ़ने वाले 20 गांव के बच्चों ने भाग लिया। शिविर के दौरान बच्चों को शारीरिक और बौद्धिक विकास के बारे में बताया गया। शिविर में बच्चों को न्यूद, दंड, पद्मन्यास, योग आसन, समता, व्यायाम योग, दंड योग आदि के बारे में बताया गया। साथ ही बच्चों को सूर्य नमस्कार के बारे में भी जानकारी दी गई। देश समाज से संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारे शास्त्र हैं उसमें जो वेद के आधार पर जो मंत्र हैं वो भी बताते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार मंत्र है, भोजन करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, वो सारा देशभक्ति के गीत वो भी इसमें सिखाते हैं हम। और चर्चा के विषय हैं जैसे देश में वर्तमान में जो भी परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार जो विषय हैं वो सारे इसमें चर्चा रहती है। इस दृष्टि से सभी विद्यार्थियों का एक व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से ये एक 4 बजे तक का ये एक हमारा कैंप है आज, तो इसमें इस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच में आयोजित की जाने वाली रामलीला महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सांस्कृतिक आयोजन समिति के कलाकार रामलीला महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुट गए हैं। रामलीला महोत्सव में भगवान राम के चरित्र को सांस्कृतिक आयोजन समिति के कलाकार बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाने के प्रयास में जुट गए हैं। सांस्कृतिक समिति के प्रेस सचिव नीतीश चौहान ने बताया कि 20 दशक पहले ऐतिहासिक सेरी मंच पर नटराज कला मंच द्वारा रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाता था और अब 2009 से वरिष्ठ कर्मियों की सलाह से रामलीला महोत्सव का आयोजन करने के लिए सांस्कृतिक आयोजन समिति का गठन किया गया है। आज से 20 दशक पहले ऐतिहासिक सेरी मंच पर नटराज कला केंद्र के द्वारा रामलीला महोत्सव का आयोजन होता था। तत्पश्चात नटराज कला केंद्र ने अपना 14 वर्ष का सफल मंचन पूरा किया। उसके बाद मंडी शहर के वरिष्ठ रंगमंच कर्मियों की सलाह से वर्ष 2009 के अंदर सांस्कृतिक आयोजन समिति का गठन हुआ और समिति ने बीड़ा उठाया कि वरिष्ठ रंगकर्मियों की तरह ही हम भी सेरी मंच पर रामलीला करने का प्रयास करें। और समिति ने वर्ष 2009 और 10 में रामलीला का मंचन किया। इसके बाद 2 वर्ष का सफल मंचन सांस्कृतिक आयोजन समिति ने सेरी मंच पर किया और उसके बाद सांस्कृतिक आयोजन समिति का ये 3rd वर्ष है रामलीला महोत्सव का। नीतीश ने कहा कि वे रामलीला उत्सव के जरिए युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति को उजागर करने का संदेश देना चाहते हैं और हम इसके आयोजन के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी के भीतर हमारी संस्कृति को उजागर करने का हम संदेश देते हैं और सभी शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि आप इस आयोजन में अपना तन मन धन से सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। रामलीला महोत्सव के इस अवसर पर सांस्कृतिक समिति के कलाकारों ने मंडी वासियों से इस महोत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में वक्त हो चला एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल, किसने किस पर किया वार, किसने किया पलटवार, पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे।
फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कोई भी धर्म इतना कमजोर नहीं कि उसे छोड़कर नया धर्म अपना लिया जाए, यह संदेश आर्ट ऑफ लिविंग के आचार्य श्री भारतेंदु ने सुंदरनगर में आयोजित हुए योग शिविर के दौरान दिया। सुंदरनगर में आयोजित इस योग शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। सुंदरनगर में आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से 5 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी के अनुयायी आचार्य भारतेंदु ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों को योग कला से रूबरू कराया। 5 दिनों तक चले योग शिविर का आयोजन BBMB कॉलोनी स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में किया गया। शिविर के माध्यम से जीने की कला के रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था अपने 64 कोर्सेज के माध्यम से लोगों को जीने की कला सिखाने का काम कर रही है। इस मौके पर आचार्य श्री भारतेंदु ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि अपने धर्म को बदलना सबसे बड़ी मूर्खता है। आजकल ये हमने देखा है कि काफी लोग धर्म परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी का यही मानना है कि हम लोग अपनी जड़ों को छोड़कर बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। जिस भी धर्म में हम पैदा हुए उसमें अपना गर्व महसूस करें, उसमें जुड़े रहें और साथ साथ बाकी सभी धर्मों को भी हम उतना ही सम्मान दें और उनको भी माने, उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं लें। तो अपना धर्म बदलने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है, बिल्कुल भी किसी को नहीं है। और देखो, जैसे एक पेड़ है, उसकी इतनी जड़ें हैं, इतनी फैली हुई हैं, उससे काट के उसको आप कहीं और लगाएं तो वो कैसे, क्या वो जीवित रह पाएगा? ऐसे नहीं हो सकता। आचार्य भारतेंदु का कहना है कि हमें विभिन्न धर्मों से बहुत सी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जिनका मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सलाह दी कि दूसरे धर्मों से मिलने वाली सीख को अपनाना चाहिए, ना कि किसी को धर्म परिवर्तन की सलाह देनी चाहिए। डीपन योर रूट्स एंड ब्रॉडन योर विजन, ये है गुरुजी का संदेश। तो अपने धर्म में स्थापित हुई, उसके बारे में और जानिए और गहराई से उसको समझिए और साथ साथ और धर्मों में और जहाँ से भी जो भी अच्छी चीज़ मिलती है उसको लीजिए, अपनाइए। जैसे अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर अमेरिका में ईजाद हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं। अब योगा अगर भारत की देन है तो पूरी दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है। तो इस तरह हर धर्म के साथ कुछ जो चीज़ें बढ़ती हैं उनका अपने फ़ायदे हैं, उनको इस्तेमाल करें हम अपने फ़ायदे के लिए। किसी भी धर्म में कुछ गलत है या उसको बदलना है, ऐसी सोच किसी को देना और किसी को ऐसा कुछ बताना, ये बिल्कुल गलत है और उनके जीवन के साथ एक तरह का खिलवाड़ है। गौर है कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था धर्म परिवर्तन के खिलाफ सबसे बड़ी संस्था है। सुंदरनगर से KNews के लिए उमेश गौतम की रिपोर्ट। KNews के संक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।